बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, बी पी ई डी, बी एड, बी ए, बी कॉम और बी एस सी में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास महर्रा ललितपुर। तो जो दर्द है उन किसानन को, जो उनकी आंखों से बह रहा काय के उनकी फसलें तबाह हो गईं आग लगवे के चलते, पूरे मध्य प्रदेश के जैसे ही दमोह जिला के पथरिया विधानसभा क्षेत्र में भी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं, जी में किसानों की खड़ी फसल में या फिर खलिहान में आग लग गई और सब कछु तबाह हो गया। और ऐसे किसानों से मिलवे के लाने पहुंची पथरिया की विधायक रामबाई परिहार और किसानों को ढांढस बधावे की कोशिश करी। विधानसभा है, झागरी है और केंद्राए केंद्राए की तो दो ही तीन लोगों की फसल हालांकि बरी है, लेकिन केंद्राए है और झागरी है, कनारी, ऐसे दो चार से गांव हैं जिसमें 200 के लगभग एकड़ जमीन में बिल्कुल आग लगी है और फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। जय ईश्वर की प्रकृति की कैसी मार पड़ी है किसानों पर। तो जो जिस दिन सुनने में मिली थी हमें हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमने तुरंत हमारे भैया हैं जो कृषि मंत्री, उनसे तुरंत बात करी थी और हम रेगुलर किसान इनसे अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहे हैं और थोड़ी हम भी बीच मुसीबत में हती से नहीं आ पाए तो आज हम सब खेत में गए, सबसे चर्चा करी और जो जिनकी फसल लगी, आग लगी है जिनके खेतों में, उन्हें 100% मुआवजा मिल है। हमारे कलेक्टर से बात भाई, कृषि मंत्री से बात भाई, और जिनके पाइप जले, जिनकी ट्रैक्टर की ट्रावली के टायर जले, जिनकी मोटर जली, जिनकी डोरी जली, सबको मुआवजा मिल है। और हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे माननीय शिवराज सिंह जी से निवेदन है कि गरीब किसान हैं जिस साल भर के लाने बैठ गए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा 100% से ज़्यादा भी हो सके तो उनको मुआवजा। दरअसल ये बेर कई सारी घटनाएं सामने आई हैं जी में किसानों की खड़ी फसल में आग लग रही है और एक के चलते साल भर की मेहनत पे पानी फिर रहा है, किसान मुश्किल में हैं और उनकी सुनवाई भी जरूरी है, सहायता भी जरूरी है। पथरिया से आफताब खान, बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को यूट्यूब पे देखवे के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।